हुकुम। इतने छोटे से नादान से चूहे हो तुम बच्चे, फिर भी बुरी संगत का देखो क्या असर पड़ गया। परंतु तुम्हें दंड अवश्य देंगे, क्योंकि इस राज्य के सबसे बड़े अपराधी हो तुम। छोटे से हो लेकिन अपराधी बड़े हो, अनेक अपराध किए हैं तुमने। प्रथम, जब वो संथाल राजद्रोह की योजना बना रहा था तब भी तुम उसके साथ थे, और द्वितीय, इस राज्य के सबसे बड़े शत्रु सखा वीर को तुम अपना मित्र मानते। क्षमा याचना दे सकते हैं, अब कैसे, हम बताएंगे या तुम बताओगे? हम बताएंगे। यदि ये सुंदरी तुम्हारे लिए क्षमा याचना मांगे हमसे, तो कदाचित अवश्य हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। सुंदरी, क्या कहना है तुम्हारा, कहो। छोड़ दीजिए ना बेचारे को, क्यों अपने सर पे पाप बढ़ाते हो। काल कोठरी में डाल दो इसे। जो लड़की हमारा मस्तिष्क नहीं पढ़ सकती वो हृदय क्या पढ़ेगी। दया कीजिए, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। और इस छोरे को सार्वजनिक रूप से कल सांझ को मृत्युदंड दिया जाए, और सारे नगर में इसकी घोषणा की जाए, न्याय संपन्न हुआ हमारा। ले जाओ इसे। सुल्तान सिंह, तू अपने मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है, देख लेना, सखा वीर आके मुझे बचा लेगा, निश्चित रूप से बचा लेगा। यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा सखा वीर फंस जाए हमारी बिछाई हुई जाल। हमें पूरा विश्वास है कि विद्रोही सखावीर सीमा पार से बूंदी आता है। हम आशा करते हैं और सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सखावीर आपके राज्य का नागरिक ना निकले, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो फिर आपको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर हमें राजनीतिक मर्यादाओं का सम्मान नहीं होता तो अपनी प्रजा पर अत्याचार करने के अपराध हम इसी समय बूंदी जाते और राव सुल्तान का सर धड़ से अलग कर देते। राणा जी, इस राव सुल्तान सिंह ने यही संदेश इसी भाषा में हमारे समस्त राजपुताने के सभी राजाओं को भेजा है। क्या कहा आपने? जी राणा जी, राजपुताने के सभी राज्यों का। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये राव सुल्तान में इतना साहस कहां से आ गया? राव जी, पता लगाइए कि राव सुल्तान के इस नए साहस के पीछे कौन सी शक्ति है। राणा जी, संभव है कि मुगलों ने राव सुल्तान सिंह को कोई आश्वासन दिया हो। हो सकता है मुगलों ने इन्हें इस समस्त राजपुताने की सबसे निर्बल कड़ी समझकर बूंदी के साथ कोई गुप्त मैत्री संधि कर ली हो। अगर राव सुल्तान ने मुगलों के साथ हाथ मिला लिया तो हमारे राजपुताने के लिए किए गए एकता के सारे प्रयासों का क्या होगा? आपका कहना उचित है राणा जी, क्योंकि यदि इस सुल्तान सिंह ने मुगलों से हाथ मिला लिया तो समस्त राजपुताने के सभी राजाओं को मुगलों के विरुद्ध एकत्रित करने के आपके सभी प्रयासों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
रानी माँ, हमने जितने बार भी सोचा परंतु हर बार हमारे मन ने हमसे यही कहा कि हम साफ साफ दाजीराज को बता दें कि हम ही सखा वीर हैं। आप सही कह रहे हैं प्रताप। हमें भी उन्हीं बातों के लिए पश्चाताप में जीवन बिताना पड़ रहा है जो हमने आपके दाजीराज से छुपाई थी। इससे पहले कि उन्हें सच किसी और से पता चले और वे फिर से यही समझने लगे कि हमने उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई है, हमें स्वयं जाकर उन्हें ये सच बताना होगा। जी रानी माँ, हम दाजीराज से सच सच बोलने के लिए तैयार हैं। रावत जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में राव सुल्तान ने अपनी प्रजा पर अत्याचारों की अति की हुई है, परंतु इससे पहले कि वो मुगलों से अपना हाथ मिलाए और हमारे लिए और सारे राजपुताने के लिए संकट बन जाए, हमें किसी भी तरह उस दुष्ट को अपने साथ मिलाना होगा। पर राणा जी, हम ये करेंगे कैसे? राव सुल्तान की सहायता करके। राव सुल्तान सिंह की सहायता? हाँ रावत जी, आपने अभी बताया ना कि सखा वीर इस समय राव सुल्तान की चिंता का कारण बने हुए हैं। क्यों ना हम सखा वीर को पकड़ लें और राव सुल्तान को सौंप दें। राणा जी, हमें आपकी कही सभी बातें उचित लग रही हैं, किंतु इस समय प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारा सखा वीर को पकड़ना उचित होगा, क्योंकि इस समय सखा वीर हमारी नहीं बल्कि बूंदी की समस्या है। सच कहा आपने रावत जी, सखा वीर हमारी नहीं बूंदी की समस्या है, परंतु अगर हमें बूंदी को अपने साथ रखना है तो हमें बूंदी को उसकी समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करनी होगी। इससे हमारे दो दो राजनीतिक लाभ होंगे। एक तो यह सिद्ध हो जाएगा कि बूंदी के विरुद्ध किसी भी विद्रोह में मेवाड़ का कोई हाथ नहीं है, और दूसरा, हम राव सुल्तान का विश्वास जीत पाएंगे, वो हमें अपना मित्र मानने लगेगा, इस तरह वो मुगलों की ओर आकृष्ट नहीं होगा। रावत जी, वैसे भी हम व्यक्तिगत तौर पे आतंकवाद को सही नहीं मानते, आतंकवाद अगर अच्छे उद्देश्य के लिए भी किया जाए तो भी वो उचित नहीं है। कल को कोई भी उठकर शासन को चुनौती दे और फिर प्रजा की भलाई के बारे में बातें करने लगे, इससे तो कोई भी शासन व्यवस्था चरमरा जाएगी। इस तरह तो हर तरफ जंगल राज फैल जाएगा और हम किसी भी तरह का जंगल राज फैलने नहीं देंगे। नहीं प्रताप, आप अभी राणा जी के पास नहीं जा सकते। किंतु रानी माँ, चलिए चलते हैं। चलिए कहीं और चलकर बात करते हैं। रुक जाइए महारानी सा। अब आप हमें क्यों रोक रही हैं कुकुया जी? मुझे पता है महारानी सा, अब मैं आपके मन चिते दासी नहीं रही, फिर भी ये मेरा कर्तव्य है कि आज तक आप जितनी भूले कर चुकी हैं, कम से कम उनसे बड़ी भूल करने से आपको अवश्य रोक। आप क्या चाहती है कुकुया जी? आपको जानती भी है, जीजा राणा जी को हमारे बारे में सब कुछ सच सच बताने गई है। यदि जीजा ने ऐसा कर लिया तो, राणा जी ने जीजा की बातों पर विश्वास कर लिया तो हमारा क्या होगा? हमारे सपनों का क्या होगा? हमारे जगमाल का क्या होगा? सार्वजनिक रूप से काल कोठरी में डाल देने का आदेश दिया जाए, ये चाहती हैं? नहीं महारानी सा, ऐसा क्यों चाहूंगी मैं? पर यदि जयवंता बाई जी को हुकुम से सब कुछ सच सच कहना था
फिर बिना कहे वे क्यों वहां से चली गई? कौन रोक सकता था उनको महाराणा जी के कक्ष में जाने से? जरा सोचिए महारानी साहब। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं याची, ऐसा ही हुआ है। जीजा राणा जी के कक्ष में उनसे मिलने जा रही थी कि वहां उन्होंने राणा जी और रावत जी को बात करते हुए सुना और सुनते ही वो वहां से चली गई। हमें तो ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात है ये। और जब तक हम इस बात का पता ना लगा ले हमें चैन नहीं मिलेगा। मत बताओ कन्या भाई, पर देखना हम ना पता लगा कर रहेंगे कि आप बिना किसी को कुछ बताए गई कहाँ थी। तो चुप करना, एक बार बोलना शुरू कर देती तो बस बोलते ही रहती हो। अरे अपने डूडा को सुल्तान सिंह के चंगुल से कैसे छुड़ाया जाए उसके बारे में सोच। सुनो, आज संध्याकाल नगर चौक में राजद्रोह के अपराध में दूदा को सार्वजनिक मृत्यु दंड दिया जाएगा। रानी माँ, क्या हुआ है आपको? आप ही नहीं तो कहा था कि अब हम दाजीराज से कुछ नहीं छिपाएंगे, फिर आप हमें क्यों रोक रही है रानी माँ? हाँ प्रताप, हमने कहा था, किंतु हमने ये तब कहा था जब हम ये जानते नहीं थे कि आपके दाजीराज के मन में सखावीर के लिए इतने विरुद्ध भाव हैं। रानी माँ, हम समझा देंगे दाजीराज को कि सखावीर का जन्म ही राव सुल्तान सिंह के अत्याचारों को विरोचित उत्तर देने के लिए हुआ है। राजमहल में ऐसी बातें इतने खुले रूप में और इतने ऊंचे स्वर में नहीं बोलने चाहिए, कोई भी सुन सकता है। पर रानी माँ, यहाँ कौन आ सकता है? कहा नहीं जा सकता कब कौन किस कारण हमारी बातें सुन ले। प्रताप, आपको यहाँ हर स्थान पर हर समय सजग रहना होगा। न जाने जीजा और कुंवर प्रताप सुबह सुबह कहाँ चले गए। हमने तुमसे क्या कहा था शशि? महारानी जयवंता जहाँ जाती है जो भी करती है उस पर ध्यान रखना। हम क्या करते महारानी सा? महारानी सा बाऊजीराज प्रताप के साथ एकांत चाहती थी, किंतु हमें पता है कि वो कहाँ गई है। अच्छा, कहाँ गई है महारानी? हम जानते हैं प्रताप, अब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बल्कि हमने ही आपको सखावीर का रूप धारण करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इन दो परिस्थितियां बदल गई हैं। हम वापस महल में आए हैं जहाँ राणा उदय सिंह के नियम, उनकी मर्यादा और उनके द्वारा निर्धारित अनुशासन को निभाना हमारा फिर से धर्म बन चुका है। परंतु रानी माँ, उस सुल्तान सिंह को रोकना अब किसी भी मूल्य पर आवश्यक हो गया है। हम कहाँ इनकार कर रहे हैं प्रताप, किंतु एक बार मन से नहीं मस्तिष्क से भी सोचिए। आपके दाजीराज ने रावत जी से जो कहा वो बात भी तो ठीक है, सुल्तान सिंह के अपने प्रजा पर अत्याचार बूंदी का आंतरिक मामला है और आपके दाजीराज आपको किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। आप कुछ भी कहिए रानी माँ, परंतु हमारा मन नहीं मानता। सखावीर ने बूंदी की अत्याचार पीड़ित प्रजा को न्याय की आस दिलाई है रानी माँ, और हम उनसे उनकी आस नहीं छीन सकते रानी माँ। तो फिर हमें फिर से सब कुछ खोने के लिए तैयार होना पड़ेगा प्रताप, क्योंकि आपके दाजीराज हमें और आपको कितना भी चाहते हैं, यदि उन्हें पता चलेगा कि आप ही सखावीर हैं और हम आपके साथ हैं तो वो हमें भी किसी भी राजदंड से नहीं बचाएंगे। इसका हल है हमारे पास रानी माँ, इसका सीधा हल है कि अब हम ये सब अपने स्तर में करेंगे, छिप कर करेंगे। और यदि हम पकड़े गए तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आप भी ये सब जानती हैं। नहीं प्रताप, हम आपको इतना बड़ा संकट नहीं उठाने देंगे। समझने की चेष्टा करें रानी माँ, आपने जीवन भर अपना धर्म निभाया है, मेवाड़ की महारानी और हमारी रानी माँ के पद की मर्यादा रखी है आपने। रानी माँ, हमें अपने मार्ग पर चलने का समय आ गया है,
जहाँ हमारे अपने कर्तव्य और उनसे जुड़े हमारे अपने संकट रहेंगे। हमें अब अपना स्वयं का मार्ग बनाने दीजिए। आप एक बार सब कुछ खो चुकी हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप अब फिर ऐसा ना हो। इसीलिए रानी माँ, भूल जाइए सखावीर को, भूल जाइए कि आप कभी मिली भी थी सखावीर से, आप भूल जाइए कि आप उनके बारे में कुछ भी जानती हैं, भूल जाइए सखावीर को रानी माँ। सखावीर को भूल जाइए, इसका क्या अर्थ है कुंवर प्रताप? क्या आप दोनों सखावीर के बारे में जानते हैं? छोटी प्रताप, सुनो 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 सुनो, आज संध्या काल नगर चौक में राजद्रोह के अपराध में दूधा को सार्वजनिक मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुनो 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 सुनो। पुन्नादाई, हमें शत प्रतिशत विश्वास है कि सुल्तान सिंह की दूधा की मृत्यु दंड की घोषणा सखावीर को पकड़वाने के लिए की है। वो अत्याचारी ऐसी घिनौनी चालों के अतिरिक्त और सोच भी क्या सकता है पन्नादाई? लेकिन आप देखना, इस बार वो अपनी चाल में ही फंस जाएगा। सखावीर आएगा और ना केवल वो इस बार दूधा को बचाएगा, आप देखना वो सुल्तान सिंह के पापों की भी सजा देगा उसे। पन्नादाई, क्या आपको सखावीर पर भरोसा नहीं है? नहीं, सखावीर पे तो हमें पूरा भरोसा है, वो तो वीरों का वीर है। फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए पन्नादाई, बहुत शीघ्र दूधा हमारे बीच होगा, आप देख लेना सखावीर ये करके रहेगा। पर सखावीर तो मेवाड़ के राजमहलों में है, उसे क्या पता कि उसके मित्र का जीवन कितने बड़े संकट में है। कौन पता, यदि आप सखावीर के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आपका धर्म यह है कि आप अपने दाजीराज को सब कुछ सच बताएं, ना कि उनसे कुछ छुपाएं। हमारे साथ चलिए, हम ले जाएंगे आपको अपने दाजीराज के पास। चलिए। प्रताप सखावीर के बारे में कुछ नहीं जानते। जीजा, हमने आपको सखावीर के बारे में बात करते हुए सुना है। ये तो इन्होंने सुना कि इनके दाजीराज सखावीर के कारण बहुत चिंतित है, इसलिए सखावीर की सच्चाई दाजीराज के सामने लाने के लिए ये बहुत उतावल हो रहे थे। किंतु हमने इन्हें समझा दिया है कि इनके दाजीराज छोटी मोटी समस्याएं सुलझाने के लिए खुद सक्षम है। कुंवर प्रताप, आप अपने अश्व को चुप कराइए ना कुंवर प्रताप, ना कुछ बोलने दे रहे ना कुछ सुनने दे रहे। सारंग तो बहुत शांत अश्व है, परंतु आज क्या हुआ इसे? ये इतना क्यों हिलने लगा है? कितनी विचित्र बात है ना चीजा, कुंवर प्रताप को समझाने के लिए आपको राणा जी के कक्ष से दूर राज की अश्वशाला में आना पड़ा। आपको पता है इससे भी अधिक विचित्र बात क्या है? आप हमारा पीछा करते करते राणा जी के कष्ट से दूर राज की अश्वशाला में आ गए। जीजा, भले ही हमारे सामने भरपूर आत्मविश्वास का प्रदर्शन करें, हम भी पता लगा कर छोड़ेंगे क्या आखिर सखावीर और प्रताप के बीच क्या संबंध है।